हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे तुम्हें अपनी बहन कहने में शर्म आती है। सो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, इस तरीके के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। इसकी बहन ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिस पे शर्मिंदा है, इसलिए कह रही है कि मुझे तुम्हें अपनी बहन कहने में शर्म आती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अशेम्ड टू कॉल यू माई सिस्टर। आई एम अशेम्ड टू कॉल यू माई सिस्टर, यानी मुझे तुम्हें अपनी बहन कहने में शर्म आती है। आई एम अशेम्ड टू कॉल यू माई सिस्टर, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यानी तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, ये मेरा छाता नहीं, ये किसी और का है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बारिश हो रही है, सिस का छाता मांग रही है, तो कह रहा है कि दिस इजेंट माई अम्ब्रेला, इट बिलोंग्स टू समवन एल्स। कह रहा है कि दिस इजेंट माई अम्ब्रेला, इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, यानी ये मेरा छाता नहीं है, किसी और का है। दिस इजेंट माई अम्ब्रेला, इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, अगर ये मेरा होता तो मैं तुम्हें दे देता। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हमसे कोई चीज़ मांगता है और वो चीज़ हमारी नहीं होती तो हम बोलते हैं अगर ये मेरी होती तो मैं तुम्हें दे देता। तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा इफ़ इट वर माइन, ये मेरी नहीं है, ये इसकी नहीं है, इसलिए कह रहा है कि इफ़ इट वर माइन, यानी अगर ये मेरी होती, इफ़ इट वर माइन आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे देता। इफ़ इट वर माइन आई वुड गिव इट टू यू, यानी अगर ये मेरी होती तो मैं तुम्हें दे देता। इफ़ इट वर माइन आई वुड गिव इट टू यू, देख कर सड़क पर गड्ढा है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल एक फ्रेजल वर्ब बताई है, जब भी हम किसी को आगाह करते हैं यानी किसी को सावधान करते हैं कि आगे खतरा है यानी कि देख कर, तो सिचुएशन में हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं लुक आउट। लुक आउट यानी ये केयरफुल हो जाओ, आगे कोई खतरा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लुक आउट यानी देख कर सड़क पर गड्ढा है, जैसे गाड़ी चला रही है तो इसे आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है। कह रहा है कि लुक आउट देर इज़ अ होल इन द रोड। लुक आउट देर इज़ अ होल इन द रोड, यानी देख कर सड़क पर गड्ढा है। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या इस बारे में सबको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इज इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट इट। Is it necessary to inform everyone about it? क्या इस बारे में सबको inform करना ज़रूरी है? Is it necessary to inform everyone about it? मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा idea है। कह रहा है कि I don't think it's a good idea. I don't think it's a good idea. यानी मुझे नहीं लगता एक अच्छा idea है। I don't think it's a good idea. शायद अगर हम इस बारे में किसी को ना बताएं तो अच्छा है। कह रहा है कि maybe इट्स बेस्ट इफ़ वी डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस। मे बी इट्स बेस्ट इफ़ वी डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस। कह रहा है कि शायद अगर हम इस बारे में किसी को ना बताएं तो अच्छा है। मे बी इट्स बेस्ट इफ़ वी डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस। अगर हम उन्हें बता भी दें तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। इसका दोस्त कह रहा है कि अगर हम उन्हें बता भी दें तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे नो वन वुड बिलीव अस। नो वन वुड बिलीव अस इवन इफ वी टोल्ड देम। No one would believe us even if we told them. So friends, अगर इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो तो ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में हम हमेशा इफ वाले पार्ट में पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेल की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है टोल्ड, और इसमें जो हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि कह रहा है कि नो वन वुड बिलीव अस, यानी हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा इवन इफ़ वी टोल्ड देम, अगर हम उन्हें बता भी दें। ध्यान रखना वो वापस ना जाए। तो यहाँ पर अपनी बीवी पर फ़ोन करके कह रहा है, इसकी बीवी घर है, कह रहा है कि ध्यान रखना वो वापस ना जाए। तो कोई इसके घर जा रहा है, चाह नहीं रहा कि वो घर पे जाए, इसलिए बोल रहा है कि मेक श्योर, यानी श्योर करना, ध्यान रखना, मेक श्योर ही डजेंट कम बैक, वो वापस ना जाए। मेक श्योर ही डजेंट कम बैक, ध्यान रखना वो वापस ना जाए। अगर वो वापस आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना। कह रहा है कि इफ़ ही कम्स बैक डोंट लेट हिम इन। इफ ही कम्स बैक डोंट लेट हिम इन, यानी अगर वो वापस आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना। ध्यान से देखना, इफ ही कम्स बैक यानी अगर वो वापस आ जाए, डोंट लेट हिम इन, उसे अंदर मत आने देना। जब तक मैं ना कहूँ, कह दूँ, कह रहा है कि जब तक मैं ना कह दूँ, किसी को अंदर मत आने देना। डोंट लेट एनी वन इन अनलेस आई से सो। डोंट लेट एनी वन इन अनलेस आई से सो। कह रहा है कि जब तक मैं ना कह दूँ, किसी को अंदर मत आने देना। डोंट लेट एनी वन इन अनलेस आई से
जितनी जल्दी हो सकता है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गेट देयर। यहाँ पर जो गेट का मतलब है वो पहुँचने से है, आई विल गेट देयर यानी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा एज सुन एज आई कैन, जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी मैं कर सकता हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई विल गेट देयर एज सुन एज आई कैन। मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो इसकी फैमिली से सपोर्ट नहीं करती, सबके साथ होता है, किसी न किसी के साथ ऐसा होता है कि उनकी फैमिली से सपोर्ट नहीं करती, तो यहाँ पर इससे बता रही है कि मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है। आई डोंट हैव एनी फैमिली टू सपोर्ट, आई डोंट हैव एनी फैमिली टू सपोर्ट यानी मेरे पास कोई फैमिली नहीं सपोर्ट करने के लिए। आई डोंट हैव एनी फैमिली टू सपोर्ट, मैंने सब कुछ अपने बलबूते पर किया, तो अपने बलबूते पर किया इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन माई ओन। कह रही है कि आई डिड एवरी थिंग, मैंने सब कुछ किया ऑन माई ओन यानी अपने बलबूते पर अकेले। आई डिड एवरी थिंग ऑन माई ओन, मैंने सब कुछ अपने बलबूते पर किया। आई डिड एवरी थिंग ऑन माई ऑन, मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई हैव नेवर आस्क्ड एनी वन फॉर हेल्प, आई हैव नेवर आस्क्ड एनी वन फॉर हेल्प यानी मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। आई हैव नेवर आस्क्ड एनी वन फॉर हेल्प, उसे सही और गलत का कोई अंदाज़ा नहीं है, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि उसमें सेंस नहीं है, उसे ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ही हैज़ नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग यानी उसे सही गलत का कोई अंदाज़ा नहीं है। ही हैज़ नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो हमेशा बकवास करता रहता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही ऑलवेज कीप्स टॉकिंग नॉन सेंस, ही ऑलवेज कीप्स टॉकिंग नॉन सेंस, कह रहा है कि वो हमेशा बकवास करता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स टॉकिंग नॉन सेंस। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ये पूछताछ किसके कहने पर कर रहे हो? तो एक काफ़ी अमीर आदमी है, इससे जो है गवर्नमेंट के कुछ आदमी आए और इससे पूछताछ कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि कैन आई आस्क यू ऑन हुज अथॉरिटी यू आर मेकिंग दिस इंक्वायरीज, कैन आई आस्क यू ऑन हुज अथॉरिटी यू आर मेकिंग दिस इंक्वायरीज, कह रहा है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किसके कहने पर ये पूछताछ कर रहे हो? कैन आई आस्क यू ऑन हुज अथॉरिटी यू आर मेकिंग दिस इंक्वायरीज, यहाँ रुकना है या नहीं इसका फैसला तुम्हें करना है। तो यहाँ पर ये अपने हस्बैंड से कह रही है कि यहाँ रुकना है या नहीं इसका फैसला तुम्हें करना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अप टू यू, इसका मतलब होता है तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड यानी फैसला करना तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर टू स्टे हेयर और नॉट, इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर टू स्टे हेयर और नॉट यानी यहाँ रुकना है या नहीं इसका फैसला करना तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर टू स्टे हेयर और नॉट, मैं तुम्हें सही सलामत देखकर खुश हूँ। तो इसको इसने सुना था कि इसका एक्सीडेंट हो गया लेकिन ये सही सलामत घर पे वापस आ गया, तो कह रही है कि आई एम ग्लैड यानी मैं खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत। आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड यानी मैं तुम्हें सही सलामत देख कर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड, हम वही करेंगे जो किए जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कह रहा है कि वी विल डू वॉट नीड्स टू बी डन, वी विल डू वॉट नीड्स टू बी डन यानी हम वही करेंगे जो किए जाने की ज़रूरत है। वी विल डू वॉट नीड्स टू बी डन, इसीलिए अपनी सलाह अपने पास रखो। सो कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, सो कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, तो कोई इसे सलाह दे रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए आपको वैसा करना चाहिए, इसे गुस्सा आ जाता है, ये कह रहा है उससे कि वी विल डू वॉट नीड्स टू बी डन यानी हम वही करेंगे जो किए जाने की ज़रूरत है इसीलिए। सो कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, अपनी सलाह अपने पास रखो। अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गए तो मैं तुम दोनों को अमीर बना दूंगा। यहाँ पर किसी से कोई मिशन के लिए भेज रहा है और कह रहा है कि अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गए तो मैं तुम दोनों को अमीर बना दूंगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू सक्सीड इन दिस मिशन आई विल मेक यू बोथ रिच, इफ़ यू सक्सीड इन दिस मिशन आई विल मेक यू बोथ रिच यानी अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गए तो मैं तुम दोनों को अमीर बना दूंगा। इफ़ यू सक्सीड इन दिस मिशन आई विल मेक यू बोथ रिच, हो सके तो इस काम को कल तक कर देना। इस इंग्लिश में बोलेंगे डू दिस वर्क बाय टुमोरो इफ पॉसिबल, डू दिस वर्क बाय टुमोरो इफ पॉसिबल यानी हो सके तो इस काम को कल तक कर देना। डू दिस वर्क बाय टुमोरो इफ पॉसिबल, आगे होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि हम उसकी तरफ हैं। कोई इन पर यकीन नहीं कर रहा है, इन्हें अपना दुश्मन मान रहा है, तो ये कह रहे हैं कि हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि हम उसकी तरफ हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू मेक हिम बिलीव, वी हैव टू मेक हिम बिलीव, इसका मतलब होता है हमें उसे यकीन दिलाना होगा। वी हैव टू मेक हिम बिलीव वी आर ऑन हिज साइड, वी हैव टू मेक हिम बिलीव वी आर ऑन हिज साइड यानी हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि हम उसकी तरफ हैं, उसकी साइड हैं। वी हैव टू मेक हिम बिलीव वी आर ऑन हिज
साइड, वो हमें अपना दुश्मन मानता है. ही कंसिडर्स अस हिज एनमी. ही कंसिडर्स अस हिज एनमी, यानी वो हमें अपना दुश्मन मानता है. ही कंसिडर्स अस हिज एनमी. नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि उसने एक महीने के लिए अपनी शादी को टाल दिया. तो किसी की शादी थी लेकिन उसने शादी को टाल दिया. तो शादी को टालने के लिए मतलब किसी भी चीज़ को टालने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं पुट ऑफ का. तो यहाँ पर ये कह रही है कि ही पुट ऑफ हिज वेडिंग फॉर अ मंथ. ही पुट ऑफ हिज वेडिंग फॉर अ मंथ, यानी उसने एक महीने के लिए अपनी शादी को टाल दिया. ही पुट ऑफ हिज वेडिंग फॉर अ मंथ. अब वो शादी अक्टूबर में करेगा. कह रही है कि नाउ ही विल गेट मैरिड इन अक्टूबर. नाउ ही विल गेट मैरिड इन अक्टूबर, यानी अब वो शादी अक्टूबर में करेगा. नाउ ही विल गेट मैरिड इन अक्टूबर. नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है. इस इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो वेयर ही हैज़ गोन. डू यू नो वेयर ही हैज़ गोन, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है. डू यू नो वेयर ही हैज़ गोन, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया है. वो लड़का कह रहा है कि नो वन नोज वेयर ही हैज़ गोन. नो वन नोज वेयर ही हैज़ गोन, यानी कोई नहीं जानता वो कहाँ गया है. नो वन नोज वेयर ही हैज़ गोन. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो लास्ट के कुछ सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए अपनी पुरानी वीडियो से, ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे. प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं कि हम नए नए सीखते रहें, ये ज़रूरी है जो हमने सीखा है उसको हम बोल पाएँ, हमारे दिमाग में इस तरीके से वे फिट हो जाएँ कि हम उन्हें ईजिली बोल पाएँ. और ये तभी होगा जब इस तरीके सेंटेंस बार बार आपके सामने रिपीट होंगे, यानी उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी. सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना. And thank you so much for watching this video, friends.